Welcome, my name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about the input and output. Input and output, जो logical reasoning का part है, उसके अंदर input आपको दिया होता है कुछ words या letters के series में या फिर दोनों, ठीक है. उसके बाद उस input को आप कुछ process machine से निकालते हो, जैसे कि एक step one, step two, step three, ठीक है. उसके बाद आपको output मिलता है. सो वो जो लाइक मशीन के लाइक प्रोसेसेस होते हैं, जो पैटर्न होता है स्टेप वन से स्टेप टू पे जाने का, स्टेप टू से स्टेप थ्री पे जाने का, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. वो फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी सारे वेज होते हैं. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन इनपुट एंड आउटपुट. फर्स्ट इज योर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन शिफ्टिंग, सेकेंड इज योर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स, देन थर्ड इज योर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस. देन फोर्थ इज miscellaneous problems. Okay, so these are the four types of input and output, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरीके से pattern सीखने को मिलता है. So let's start. So as we discuss, the first is problem based on shifting. शिफ्टिंग के बेस पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनपुट आउटपुट में, लेट्स से आपको इनपुट दिया हुआ है ब्रूक, क्रेजी, गैथी, ओमर, हेयर, कैनी. ओके, नाउ स्टेप वन में जाओ तो देखो ब्रूक का ब्रूक आता है, क्रेजी की जगह ओमर आ गया, क्रेजी की जगह ओमर आ गया, फिर गैथी का गैथी, फिर ओमर की जगह क्रेजी आ गया एंड हेयर कैनी. सो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ये ओमर यहाँ से आ गया और क्रेजी उसकी जगह यहाँ पर आ गया. सो शिफ्ट हुआ, ठीक है. बट अगर आप क्वेश्चन को ऐसे इस क्वेश्चन की एक टिप है कि अगर कभी भी आपको ऐसे नंबर्स दिखें या लेटर्स दिखें, अल्फाबेट दिखें नेम के, ठीक है, कि आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे ही है और ये शिफ्टिंग का चल रहा है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसको जैसे कि ब्रूक को कर दिया आपने वन मार्क, ठीक है, क्रेजी को कर दो आप टू मार्क, देन ऐसे गैथी को थ्री एंड ओमर को फोर, देन हेयर को फाइव एंड कैनी को सिक्स, ठीक है. ये आपने नंबरिंग दे दी. अब आप देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. अब आप नीचे जब स्टेप वन में आए तो आपको क्या दिखा, यहाँ पे वन है पर ये क्या है फोर, और ये क्या है थ्री, और ये क्या है टू, एंड यहाँ पे क्या है फाइव और सिक्स. सो आप यहीं पे लिख लोगे कि यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, टू एंड फोर रिप्लेस. ओके, टू और फोर ने अपनी जगह रिप्लेस करी है, ठीक है. ये आपने ईजिली लिख लिया, आपका टाइम सेव हो गया, आपको अब दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेप वन में हुआ क्या था, ठीक है. आपको ईजिली याद रहेगा कि स्टेप वन में हुआ टू एंड फोर की जगह जो है वो रिप्लेस हुई है, टू और फोर पे ये दोनों आ रहे थे. अगर आपको कोई और क्वेश्चन दिया होता जिसका आपको इनपुट दिया हो उसका आउटपुट निकालना है तो आप ईजिली देख के निकाल सकते हो. ऐसे अब इस पर आ जाओ, वन ओमर हो गया आपका फिर से फोर, और ये हेयर आ गया, हेयर क्या आपके पास फाइव, क्रेजी क्रेजी आपका टू है, एंड गैथी गैथी आपका थ्री है, ये सिक्स. सो यहाँ पर अगर आप देखो किसने किसके चेंज किया, फाइव और थ्री ने चेंज की. सो आप इसका ऐसे लिख लो थ्री एंड फाइव रिप्लेस, ठीक है. देन कैनी कैनी जो है वो लास्ट है सिक्स, ठीक है, ओमर एंड फिर ये फाइव एंड ये टू एंड ये थ्री एंड ये वन. सो यहाँ पे किस किसने चेंज की, वन और सिक्स ने. देन अगेन ये हो गया सिक्स, ये क्रेजी है, ये अगेन टू है, ठीक है, देन ये फाइव है, देन ये फोर एंड देन थ्री एंड देन वन. सो यहाँ पे अगेन टू और फोर ने चेंज की, ये सिक्स ये टू, ये आपका है थ्री, ये ओमर है फोर, एंड हेयर आपका फाइव, एंड ब्रूक है वन. यहाँ पे किस किसने चेंज किया अगेन, थ्री एंड फाइव ने. देन द लास्ट इज ये सेम है बिल्कुल लास्ट वाले की तरह. सो ये क्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
सी ब्रूक क्रेजी गैथी ओमर हेयर कैनी एंड इसमें जो चेंज हुआ वो सिक्स और वन ने किया सो लास्ट में क्या है वन एंड सिक्स रिप्लेस. अब जब आपने एक साइड पे लिखा सो आपने कुछ रियलाइज़ किया कि ये इतना था ये दोबारा रिपीट हुआ देखो टू एंड फोर रिप्लेस टू एंड फोर थ्री एंड फाइव रिप्लेस थ्री एंड फाइव वन सिक्स रिप्लेस. सो आपको ईजीली कुछ काफ़ी सारे इंसाइट्स मिल जाते हैं अब जब इसको सिंपल वे में करो ठीक है नंबरिंग देकर बिकॉज आपको ये पूरा पूरा लिखना नहीं पड़ेगा पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि ओमर ने चेंज की थी या क्रेजी ने चेंज क्या चेंज किया था बहुत बड़े वर्ड्स हैं सो आप इनको नंबरिंग दे दो ठीक है कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे. सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ शिफ्टिंग. शिफ्टिंग होती क्या है शिफ्टिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह पर आना उसे कहते हैं सिर्फ शिफ्टिंग ठीक है. नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन ऑन दिस थिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शिफ्टिंग एंड रेस्ट वी विल डू इन द प्रैक्टिस सेशंस on input and output. So now in this question we have input 15 gave not hot 45 33 4 then we have step 1 step 2 step 3 step 4 step 5 okay so uske baad hame ek question diya hua hai if 19 36 43 50 31 22 and 25 is input agar ye cheez yahan par hoti then find out the step 4 to hame kaun sa step find karna padta hai ye wala step 4 okay so एज वी लर्न इन द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पहले देखा था ब्रूक एंड कैनी वाला उसके अंदर हमने क्या किया था नंबरिंग दी थी सो हे वी हैव टू गिव द नंबरिंग एज वेल बिकॉज सी ये 15 गिव नॉट हॉट ये जो इसमें आपको सिर्फ दो या तीन तरीके के पैचअप मिलते हैं ठीक है एक तो जो शिफ्टिंग वाला जो हम अभी भी कर ही रहे हैं एक आगे हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर नंबरिंग के साथ वो कभी कभी वॉवल्स के अकॉर्डिंग या फिर अल्फ़ाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं बट इसमें हमने अभी सिर्फ शिफ्टिंग अकॉर्डिंग लगाया सो शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग लगाने की वजह से हमें क्या करना है सबसे पहले नंबरिंग देनी है ठीक है. सो अगर मैं 15 को 1 गिव को 2 एंड नॉट को 3 एंड हॉट को 4 देन 45 को 5 एंड 33 को 6 एंड 4 को 7 दे दूँ देन वी विल सी कि क्या आता डिफरेंस. सो दिस इज योर 1 2 3 4 5 and 6 and 7 नाउ 4 आगे आ गया सो 4 इज 7 गिव वहीं पर है 2 ये भी वहीं पर है 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 1 यहाँ पर आ गया ठीक है. नाउ स्टेप 2 में क्या हुआ 4 7 ही है नॉट आपका 3 है ठीक है. आप चाहो तो ऊपर से देख सकते हो नंबर्स या फिर नीचे से देख सकते हो यहाँ से भी देख सकते हो गिव 2 है हॉट 4 ये एंड 45 आपका 6 था ये क्या है आपका 33 6 था 45 5 एंड दिस इज 1 देन ऐसे स्टेप 3 कर लो दिस इज 1 दिस इज 3 2 4 6 5 एंड 7 देन 1 2 3 4 5, 6 and 7 सी ये पूरा स्टेप अगेन रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 देन 4 और अगर ऐसी ये सीरीज कोई चल रही होगी तो ये यही आना चाहिए 4 देखो 4 गिव स्टेप 1 ही आ गया दोबारा नॉट हॉट 45 33 15 सो ये सेम है 2 3 4 5 6 1 स्टेप 1 की तरह ठीक है. आपने लिख लिया काउंटिंग लिख ली सो अब इसका फ़ायदा क्या होता है इसको लिखने का थोड़ा सा टाइम लगता है बट इसके बाद आपके क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाते हैं. सो लेट्स से ये क्वेश्चन है आपका ये इनपुट दिया हुआ है अब इनको अगर आप नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है. अब आपको किस में जाना है स्टेप 4 में. सो स्टेप 4 में जो नंबरिंग आ रही है यहाँ पर वो लिख दो सेम ही आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 यही नंबरिंग थी 1 2 3 4 5 6 7 ये लिख दी. अब 1 पे क्या था आपने लिखा हुआ 19 2 पे क्या लिखा हुआ था 36 3 पे क्या लिखा हुआ था 43 4 पे क्या लिखा हुआ था 50 एंड 5 पे क्या लिखा हुआ था 31 एंड 6 पे था आपका 22 एंड 7 पे था आपका 25 सो दिस इज़ योर आंसर. बहुत स्पीड से हो जाता है ठीक है एंड बस आपको ये नंबरिंग देनी है एक बार देखना कि क्या क्या नंबरिंग पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं कौन सी नंबरिंग कौन से स्टेप पर है ठीक है. वही अगर आप वही वाला स्टेप पूछा तो आपने वो वाला स्टेप रख देना एंड यू विल गेट योर आंसर.
ठीक है, नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन. सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो इसी का पार्ट है पहले वाले क्वेश्चन का ही, दैट उस पर बोलते हैं इफ रैट कैट फैट चैट दैट हैट मैट इज द स्टेप टू देन व्हाट वुड बी द इनपुट. आपने पहले तरीके से इसको सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है, नंबरिंग दी हुई है. अब उन्होंने बोला कि स्टेप टू है ये वाला, तो इनपुट क्या होगा, कैसे जाओगे इनपुट पे, ठीक है. सो क्विकली आप इसकी मदद से स्टेप टू से इनपुट पे भी जा सकते हो. कैसे, वैसे करना है कि रैट कैट फैट चैट दैट हैट मैट. अब इनको नंबरिंग कैसे देनी है आपने, बस इतना ही ट्विस्ट है एंड यू विल गेट योर आंसर. नंबरिंग देनी है स्टेप टू के अकॉर्डिंग. ये क्या है, 7 3 2 4 6 5 1. अब 1 2 3 के अकॉर्डिंग लिख दो. सो फर्स्ट आएगा मैट, देन सेकेंड इज योर फैट, देन थर्ड इज योर कैट एंड देन चैट एंड देन हैट एंड देन दैट एंड देन रैट. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सो सी, अगर आप नंबरिंग देते हो आपके आगे जो क्वेश्चन करने वाला जो टाइम है वो सारा बच जाता है. आपको दोबारा दोबारा कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ रही इसके अंदर, आपको जाके दोबारा देखना नहीं पड़ रहा, आपने एक बार नंबरिंग लिख ली एंड यू गेट योर आंसर सो क्विकली. नाउ द थर्ड क्वेश्चन सेज इफ इनपुट इज 16 9 32 10 2 5 6 देन फाइंड स्टेप फिफ्थ. ओके, एंड आई वॉन्ट कि आप पहले प्लीज़ इस ऑडियो को पॉज कर दो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके, ये बहुत ईजी हो जाएगा अब आपके लिए करना, बिकॉज यू नो कि अब करना क्या है. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योर सेल्फ. सो आई होप आपने ट्राई कर लिया. सो क्वेश्चन से 16 9 32 10 2 5 एंड 6. ओके, इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड आपको स्टेप फिफ्थ में क्या होती है नंबरिंग, वो यहाँ से देख ली, विच इज 7 2 3 4 5 6 एंड 1. ओके, 7 पे क्या आता है 6, 2 पे 9, 3 पर 32, 4 पे 10, 5 पे 2 एंड 6 पे 5 एंड 1 पे 16. सो आई होप सबका ये आंसर आ गया हो, ठीक है. 6 9 32 10 2 5 16, दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस इनपुट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन 4 सेज वी हैव स्टेप 5 एज 24 99 100 121 fine wine dine, देन व्हाट वुड बी द स्टेप 2. सो इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन पॉज द वीडियो, अदरवाइज वी विल डू दिस क्वेश्चन. इट्स वेरी इजी, स्टेप 5 दिया हुआ आपको डायरेक्ट, ठीक है. 24 99 100 121 fine wine and dine. सो स्टेप 5 में जो लिखी हुई नंबरिंग वही लिख लेंगे, 7 2 3 4 5 6 and the 1. और हमें क्या चाहिए, स्टेप 2. स्टेप 2 में नंबरिंग क्या थी हमारी यहाँ पर, 7 3 2 4 6 5 1, ठीक है. सो 7 पे तो 24 है ही, 3 पे था हमारा 100 एंड 2 पे हमारा 99, 4 पे हमारा 121, 6 पे है वाइन, 5 पे है फाइन एंड 1 पे है 24, सॉरी 1 पे है डाइन, या सॉरी फॉर दैट. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सो सी, हमें शिफ्टिंग मेथड के अंदर अगर आप सिंपली नंबरिंग कर दोगे, इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू डू दिस थिंग. ओके, मोस्ट ईजीएस्ट वे होता है कि अगर आप शिफ्टिंग मेथड के अंदर आप नंबरिंग कर दो कि 1 2 3 4 5. सी, इसको देखने का तरीका क्या है, आपको सिंपली देखना है कि स्टेप 2 तक आपको पता लगेगा कि मेथड कौन सा चल रहा है, ठीक है. वंस यू लर्न मोर मेथड्स, हम जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड अरेंजमेंट्स एंड मिसलिनियस प्रॉब्लम्स करेंगे, देन यू गेट टू नो कि आपको स्टेप 1 से 2 जब आओगे तब आपको पता लगेगा कि कौन सा मेथड चल रहा है क्वेश्चन के अंदर. अगर शिफ्टिंग चल रहा है तो ये लगा लो, अगर अरेंजमेंट चल रहा है तो उसका मैं आपको अलग वे बता दूंगा एंड सो ऑन.
So guys, this is the part one of this input and output video. I hope you enjoyed this video. Hit the like button if you like this video and don't forget to comment down below if you have a suggestion or query. And don't forget to subscribe this channel and share this channel with your friends and tell them they can join us. And you can also join us on Telegram and WhatsApp as well. All the links are in description below. And don't forget to join us on Facebook, importantly, because you get all the updates on Facebook as well. Thanks for watching.